हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बहुत दिन बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट तो 1 मंथ से मैं पूरे फुल डे बिजी हूँ। 10 आवर्स की क्लास डेली ले रहा हूँ। क्लियर? इतने सारे लोग जो भिलाई और इन भोपाल के जो स्टूडेंट थे, उन्हीं की क्लास अभी इंगेज कर रहा हूँ। अभी मेरे रायपुर और इंदौर में तो क्लास नहीं है, लेकिन दो जगह पर मैं क्लास इंगेज कर रहा हूँ। तो इतने दिन से बात भी नहीं किया था, तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। जितने वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोज़ की आप हेल्प लेते रहो। आप लोग के बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर और कौन से वीडियो डालेंगे, तो जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी वैसे क्वेश्चन डालते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि सुजय सर के डाल रहे थे और साकेत सर के डाल रहे थे, तो जो जो टीचर अवेलेबल होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और मैं पहले भी बोला हूँ कि यूट्यूब फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई टाइप की जर्नी है ये हम लोगों के लिए। तो मैं हमेशा केयर करता हूँ कि अपने पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से हम इन्वॉल्व हो सके, बहुत अच्छे से बात कर सके और इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो एक पूरे फैमिली के साथ। ठीक है? और आप लोग का मैथ्स का बुक भी बस जस्ट आने वाला है, उसके बारे में भी मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। क्लियर? वो प्रिंटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है उसकी, तो उसके बारे में भी जल्दी ही मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अभी मैं आज का जो मेन टॉपिक है कि आज मैं जो आप लोग से बात करने वाला था, उसमें भिलाई में 16 जुलाई से बैच चालू हो रहा है, जिसमें कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट करने वाला हूँ 16 जुलाई से भिलाई में। बट ये जो बैच होगा आपके पास, ये नॉर्मली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए रहता है जो कॉलेज में भिलाई में जो कॉलेज में है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाद में ज्वाइन किए भिलाई में, तो उन लोग भी बैठेंगे उस क्लास में। बट जो मेरे को मैसेज प्रोपेगेट करना था वो ये था कि ऐसे में से बहुत सारे लोग में से बात करते हैं, ऐसे लोग कि जिन लोग बी में बिल्कुल भी उनकी प्रिपरेशन कभी अच्छी नहीं रही, उनके टेक्निकल कंसेप्ट कभी अच्छे नहीं रहे, वो लोग बहुत अच्छे से कभी उनको इतना अच्छे से कोई करवाया नहीं, जो भी रीजन हो, लेकिन उनके कंसेप्ट इतने अच्छे से नहीं रहे, तो उनको एक डर लगता है कि एग्जाम का डर लगता है, टेक्निकल एक एग्जाम को देने से पहले डर लगता है। और उनको लगता है कि 4-5 महीने में उनसे हो भी नहीं सकता। कई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन लोगों को लगता है कि 4-5 महीने में उनसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए बहुत ही टफ है। तो ऐसे सब स्टूडेंट जिन लोगों को लगता है, पूरे इंडिया के ऐसे स्टूडेंट जो लोग की बी अभी कंप्लीट हुई है अभी 2018 में, बट जिनको लगता है कि उनके टेक्निकल कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं है और वो लोग 5-6 महीने के अंदर में इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे फिर वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे फिर वो JEE का एग्जाम हो, वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। तो उन लोग के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके पास कि जिन लोग ऐसा लगता है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं आपके पास कि वो लोग 16 जुलाई वाला बैच ज्वाइन करें। बट याद रखें कि 16 जुलाई वाला जो बैच आप भिलाई में अगर आके ज्वाइन करते हो तो 2 ईयर का होगा, तो आप 2 ईयर के लिए मेंटली रेडी रहना आपके पास। क्योंकि बहुत सारे अभी आज के डेट में ऐसा हो गया कि इंडिया के 50% से ज़्यादा लोग, 50 भी नहीं बोल रहा हूँ, 70% से ज़्यादा लोग 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं। एक बार प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उनको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, फिर एक बार और ड्रॉप लेते, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है। बट अगर आप बहुत ही अच्छे फॉर्म में स्टूडेंट हो, अच्छे से सोचते हो, तो 6 मंथ की आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें भी आप जबरदस्त एफर्ट लगा सकते हो। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनका टेक्निकल कंसेप्ट बिल्कुल वीक है, उनको एक KVL KCL में प्रॉब्लम होती है, उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे टेक्निकली, तो वो आराम से जुलाई वाला बैच ज्वाइन करे और 2020 के लिए पूरा प्रोजेक्ट करे, 2020 के लिए टारगेट करे। तो क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन कर चुके, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके, ये मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि जो बाहर से कुछ स्टूडेंट आए थे वो लगभग 2020 के बैच के लिए ज्वाइन किए। तो फिर मैं सोचा कि अच्छा 2020 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैं 5 to 6 स्टूडेंट से मिला, तो मेरे को लगा कि अच्छा ऐसे बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं जिन लोगों को ये फील होता हो कि उनका टेक्निकल कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं है कि वो लोग 4 महीने या 5 महीने में बहुत ही अच्छा कन्वर्ट कर सके, उनको ज़्यादा टाइम की नीड है। क्योंकि अगर 5 महीने की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो पूरे फुल डे क्लास होगी, सुबह से लेकर शाम तक क्लास होगी, फिर घर जाके आपको पढ़ना है। तो कई बार एक ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि नहीं वो इतना ज़्यादा 4-5 महीने के अंदर में एफर्ट नहीं कर सकता या इतना जल्दी कनेक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से प्लान करके प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को बोलूंगा कि कोई 5 महीने में नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपका टेक्निकल नॉर्मल स्टूडेंट तो कुछ होता नहीं, टेक्निकल कंसेप्ट आपका अगर उतना अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप 2 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 2020 को टारगेट कर सकते हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आप भिलाई आते हो तो आप अगर 2 ईयर्स के कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो मेरे को लगता है कि 2 ईयर्स के कोर्स में आपके टेक्निकल कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 ईयर्स के लिए आते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप भिलाई से बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ, हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है, चाहे वो 6 महीने की प्रिपरेशन हो, चाहे वो 1 ईयर की प्रिपरेशन हो, चाहे वो 2 ईयर की प्रिपरेशन हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपका टेक्निकल कंसेप्ट जो है, जो आपका डर है टेक्निकल चीज़ों से, वो सब तो निकाल ही देंगे, ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा। तो ऐसे लोग जो लोग
थोड़े से डिलेमा में है, या जो लोग अभी तक गेट की प्रिपरेशन चालू नहीं की है, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे से अभी तो नहीं हो पाएगा 4-5 महीने के अंदर में, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को एक लंबे समय का कोर्स ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल आप जुलाई में आ जाइए। 16 जुलाई से मैं कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अगर भिलाई आएंगे तो आपको मजा आएगा, आई प्रॉमिस यू कि आपको मजा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे, बिल्कुल गेट एकेडमी की वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। गेट एकेडमी की फ्रंट डेस्क से आप हेल्प ले सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, गेट एकेडमी की टीम आपको हेल्प करेगी। तो बिल्कुल आप अगर आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो फिर मैं आपको क्लास में मिलता हूँ डायरेक्ट 16 जुलाई को। ओके, थैंक यू।